रेडी स्टार्ट। मान्यवर, जो लोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के इस कदम को समाजवाद की ओर एक कदम मानते हैं, वही इस पर जोर देते हैं विराम। वे लोग जोर नहीं देते जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वच्छ करने को उत्सुक हैं विराम। परंतु भले ही जिस रूप में वह प्रस्तुत किया गया है और लक्ष्य चाहे कोई भी हो, आमतौर पर यह कदम उस इच्छा का प्रतीक है जो एकाधिकार को आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं विराम। यहाँ तथ्य क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। निसंदेह चंद एक बैंक देश की अधिकांश निजी पूंजी के अधिकार में हैं। इनकी कुल जमा पूंजी के अनुपात में अदा किया गया मूलधन तथा रिजर्व बहुत ही कम है विराम। यानी बड़े बैंकों में 2% से भी कम इन बैंकों के शेयरों को अधिकांश भाग कई लोगों के हाथों में बिखरा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पूंजी रखता है विराम। इससे बैंकों पर कारगर नियंत्रण रखने के लिए अपेक्षाकृत अधिक शेयर रखने वालों के समूह को सहायता मिलती है विराम। यह देखा गया है कि जिनका नियंत्रण बैंकों पर है, उन्हीं का संबंध उद्योगों तथा व्यवसाय से होता है विराम। कुछ एक तो इस तरह बड़े व्यावसायिक घराने बन बैठते हैं विराम। ये घराने फिर बैंकों से बड़े बड़े ऋण ले लेते हैं, जो आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से हितकर नहीं होता विराम। जाहिर है कि इस तरह के ऋण कम शेयर मालिकों के व्यापक हितों के विरुद्ध जाता है विराम। राष्ट्रीयकरण इस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करता है विराम। पहरा, ये तथ्य ही ऐसे हैं कि जिन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती विराम। इस पर बहस हो सकती है कि इस त्रुटि को दूर करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए विराम। सरकार के विचार में इस त्रुटि को तभी दूर किया जा सकता है जब कि सरकारी रिजर्व बैंक के हाथ में अधिक नियंत्रण शक्ति हो और इन बैंकों के निदेशकों की समिति में कुछ सदस्य सरकार की ओर से नियुक्त किए गए हों विराम। इसी तरह से अन्य उपाय सरकार द्वारा सुझाए जाते हैं विराम। स्टॉप।